हिरन और बफेलो की दोस्ती। हिरन झूमती हुई जंगल में घूम रही थी कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। अरे ये तो मेरे दोस्त भैंस की आवाज है, क्या हुआ उसे? आज फिर से किसी मुसीबत में फंस गई शायद। हिरन आवाज की तरफ दौड़ते हुए जाती है। वहां जाकर देखती है कि उसकी दोस्त भैंस नीचे गिरी है और शेर उसे अपने पंजों से दबोच कर रखा है। हिरन के पास जाने से पहले शेर भैंस से कहता है, तुम कितना भी चिल्लाओ, मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अब चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या कह रहे हो शेर? मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही मारना चाहते हो? ये तो नाइंसाफी है ना? ये सारी बात हिरन सुन लेती है और मन ही मन में सोचती है, लगता है आज मेरी दोस्त फिर से बेवकूफ बन गई है। अगर मैं नहीं रहूं तो पता नहीं कि इसका क्या होगा। चलो, यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है क्या मामला है ये सुनकर अपने दोस्त की जान बचाओ। हिरन ऐसा सोचकर भैंस के पास जाती है। अपनी दोस्त हिरन को देखकर भैंस के जान में जान आती है और वो कहती है, हिरन हिरन मुझे बचाओ इस शेर से, इसने मुझे धोखा दिया। मैंने इसकी जान बचाई और अब ये मेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे चुप कर भैंस, और हिरन तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं भैंस के साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह का निवाला बनने की। पर पहले मैं अपनी दोस्त की पूरी बात सुनना चाहती हूँ, क्या तुम भैंस की आखिरी इच्छा नहीं पूरी करोगे? हिरन के ऐसे कहते ही शेर भैंस को छोड़ देता है और उसे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। तब भैंस हिरन से कहती है, अरे हिरन तुम मेरी दोस्तों की दुश्मन हो, जो तुम भी शेर के साथ मिलकर मेरी आखिरी इच्छा पूछ रही हो। पर ये नहीं कि दोस्त की जान बचाए, उसे इंसाफ दिलाए। क्या बात है भैंस, जरा खुलकर तो बताना। दरअसल मैं यहाँ घास खा रही थी कि तभी शेर के चिल्लाने की आवाज आई। जब मैं वहाँ गई तो उसके ऊपर एक बड़ा सा लॉग गिरा हुआ था। मुझे इस पर दया आई, मैंने मेरी पूरी ताकत से उस लॉग को उठाया और इसकी जान बचाई, नहीं तो अब तक तो ये लॉग के नीचे दबकर मर गया होता। ये सुनते ही हिरन हंसने का नाटक करती है। उसे विश्वास नहीं होता कि भैंस ने शेर की जान बचाई। तब शेर कहता है, अरे इसमें हंसने की क्या बात है, भैंस ने सच में मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे भूख लगी है तो फिर मैं क्या करता? और ये तो जंगल का नियम है, भूख लगने पर आगे वाले जानवर का शिकार करो और अपनी भूख मिटाओ। मुझे तो तुम दोनों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। भैंस मेरी दोस्त है, वो दिखती तो है ताकतवर पर बड़ी ही खोखली है और बेवकूफ भी। और शेर तुम तो खुद ताकतवर हो, बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करने में माहिर हो, फिर उस लोग को क्यों नहीं हटा पाए तुम? इसीलिए कहती हूँ कि मुझे तुम दोनों पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हाँ पर अगर तुम फिर से वैसे ही करके दिखाओ तो मैं मान सकती हूँ। हिरन को विश्वास दिलाने के लिए शेर लॉग को अपने ऊपर डाल देता है। अब शेर उस लॉग को ऊपर से हटाने की कोशिश करता है पर वो कर ही नहीं पाता। तब हिरन कहती है, देखा शेर, लॉग को नहीं उठा पा रहे हो ना? सोचो भैंस न होती तो तुम ऐसे ही मर जाते। तुम्हें भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवर मिल सकते हैं ना? फिर जिसने तुम्हारी जान बचाई तुम उसी को मारना चाहते हो। तब शेर को अपनी गलती समझ आती है और वो भैंस से माफी मांगता है। तब फिर से भैंस उस लॉग को शेर के ऊपर से उठा देती है। इस तरह से हिरन ने शेर को अच्छा सबक सिखाया और अपने दोस्त की जान भी बचाई। उस दिन के बाद से शेर, हिरन और भैंस तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। नीति, जो हमारी मदद करते हैं हमें उनके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।